वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदूज लाइफ कॉर्नर। आज मैं आपके साथ हेवल्स चॉपस्टिक कर्लर का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं कि इसको कैसे यूज करते हैं। तो अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, हेवल्स चॉपस्टिक कर्लर कुछ इसके बॉक्स में आता है और इससे जो छोटे 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 कर्ल्स होते हैं वो होते हैं। तो इसमें जो ये इसकी आउटर पैकेजिंग है, यहाँ पे हेवल्स का नाम मेंशन है कंपनी का, और यहाँ पे ये 2 ईयर की गारंटी के साथ आता है। अल्ट्रा स्मूथ डिजाइन, लाइट वेट एंड ईजी टू हैंडल है, और फॉर ट्रेंड सेटिंग लुक आइडियल फॉर ऑल हेयर टाइप्स एंड क्रिएटिंग न्यू स्टाइल्स, क्रिएट टाइट आइडियल फॉर क्रिएटिंग रेट्रो लुक विद ईज। ये है, और इसमें यहाँ पे दिया है कि ये कूल, ये LED इंडिकेटर है इसमें, ये सेरेमिक कोटिंग है जो इसकी वो है, और ये रेक्टेंगुलर है और टेंगल फ्री है, मतलब इसमें ये कहीं से भी मुड़ेगा नहीं है, इसमें कहीं भी टेंगल्स नहीं पड़ेंगे, और ये सेफ्टी स्टैंड के साथ आता है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं, और इसमें जो टेम्परेचर है वो 190 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, परफेक्ट रिजल्ट मिलेगा इस पे। फास्ट हीट है, ये जल्दी से हीट हो जाता है। तो चलिए हम अपने बॉक्स को ओपन करते हैं गाइस। तो ये कुछ, इसको मैं साइड में रख देती हूँ, ये कुछ इस तरीके की पैकेजिंग में आया है। ये मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ये ऑनलाइन परचेज नहीं किया है, ये मैंने अपनी जो मेरे घर के पास जो मार्केट है मैंने वहाँ से परचेज किया है। तो गाइज ये देखिए, ये कुछ इस टाइप से आता है चॉपस्टिक, आप देख सकते हैं ये रेक्टेंगुलर है, और ये सेरेमिक कोटिंग हो रखी है इसकी, और ये जो बटन है आप देख सकते हैं, मेरी नेल पेंट और इसका कलर सेम ही है, और यहाँ से आप इसका ये जो हीट है वो सेट कर सकते हो, और ये 360 रोटेट वायर है, और ये टेंगल फ्री है वायर, और ये यहाँ पे इस तरीके का इसका ये प्लग है। तो चलिए इसके वायर को हम ओपन करते हैं गाइस, और देखते हैं ये यूज करने में कैसा है, क्योंकि मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इसका रिव्यू शेयर करूं, और इसका फर्स्ट इम्प्रेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूं गाइस। तो सबसे पहले हम अपने बालों को ओपन करते हैं एंड कूम करती हूं मैं बालों को अपने को। हम अपने बालों को 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आगे फ्रंट के बाल ही कर्ल करूंगी गाइस, क्योंकि मुझे पूरे बाल कर्ल नहीं करने हैं, और मैं सिर्फ आपके साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ, मुझे कहीं जाना नहीं है। तो मैं यहाँ पे पहले सीरम यूज करूंगी एज अ हीट प्रोटेक्टर। आप कोई भी सीरम यूज कर सकते हैं, जो भी आप यूज करते हो, या फिर आप एलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हो। या फिर आपके अगर एलोवेरा जेल नहीं है तो मेरे पास ये है पैंटीन प्रो वी ऑयल रिप्लेसमेंट, ये भी आप यूज कर सकते हो गाइज। मैं ज्यादातर इसी को यूज करती हूँ, और देख सकते हैं इसकी हालत ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। तो आप इसे एज अ सीरम भी, एज अ हीट प्रोटेक्टर भी यूज कर सकते हो गाइज। देखिए कितना अच्छा सीरम है ये। तो चलिए अब हम इसको प्लग इन करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट आता है। तो मैंने इसको प्लग इन किया गाइस,
अब इसको हीट होने देते हैं, और वो हीट हो गई है। मैं इतना सेक्शन लेती हूँ और इसको कर्ल करके देखते हैं। थोड़ा ध्यान से कि जिससे कि वाओ, मैं अच्छे से कर नहीं पा रही हूँ। एक मिनट, मेरे को ज़्यादा वैसा कर्ल नहीं चाहिए, तो मैं छोटा छोटा सेक्शन लेती हूँ। ये मैंने इसको अपने सारे बाल को इस पर लपेट लिया है गाइस। अब देखते हैं ये कितनी देर में कर्ल करता है। और हीट प्रोटेक्टर ज़रूर यूज़ करें आपके बालों में, और कोशिश करें कि ये जितने भी हीटिंग टूल्स हैं वो कम ही यूज़ करने पड़े आपको। वाओ, देखा गाइस कितना अच्छा कर्ल किया है इसने। वाओ, अब मैं इस तरफ के भी हेयर करती हूँ। मैं अभी इसको हटा देती हूँ। देखिए, अनबिलीवेबल गाइस, आप इससे छोटे छोटे नूडल्स वाले कर्ल कर सकते हैं, या आपको थोड़ा सा बड़ा कर्ल करना हो तो आप इसको जैसे कोम कर लीजिए। सी, अब मैं इस साइड की ही करती हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ ये आपको शो करना था गाइस कि ये कैसे वर्क करता है या नहीं करता है। क्योंकि हेवल्स एक जानी मानी नोन, मतलब एक नोन ब्रांड है जिसपे आप ब्लाइंडली फेथ कर सकते हो। बस आपको ऐसे इसके राउंड बालों को सिर्फ सर्कल करना है एंड देन छोड़ देना है कुछ सेकंड्स के लिए। एंड देखिए, वाओ, ये मैंने आपको लूज कर्ल करके दिखाया है, और इस तरफ मैगी डूडल्स वाला कर्ल किया है। अगर आपको लूज कर्ल करना है तो वो भी आप कर्ल कर सकते हो, और अगर आपको ज़्यादा कर्ल करने हैं हेयर्स अपने, जैसे कि इस साइड मैंने किए हैं, तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसको टाइम लगेगा। आप देखिए, ये देखिए कितने अच्छे से कर्ल हुए हैं बाल। वाओ, सुपर्ब है ना। अब मैं जल्दी से सारे सेक्शन कर लेती हूँ और फिर आपसे मिलती। ये देखिए कितने अच्छे कर्ल हो रहे हैं, और मुझे कोई ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है इसको करने में। थोड़ा सा अपने आप को बचा के आप इसमें किसी की हेल्प ले सकते हैं। मेरे पास इस टाइम कोई नहीं है, तो जैसा हो रहा है मैं वैसा कर पा रही हूँ। मुझे सिर्फ इसका आपको रिव्यू दिखाना था कि कैसे वर्क करता है, वर्क करता भी है या नहीं करता है। तो आप रिजल्ट आप खुद देख पा रहे होगे गाइस। वाओ, कितने सुंदर कर्ल हुए, और ये बहुत जल्दी क्विक कर रहा है। आप देख पा रहे हो, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ, बहुत जल्दी से इसने कर्ल कर दिया है। ये मैंने लूज कर्ल किए हैं, और मैंने आपको टाइट कर्ल भी करके दिखा दिए। वाह, मेरा थोड़ा सा पार्ट रह गया है पीछे का, वो भी मैं बाल ऐसे लेके और इनको भी मैं लूज कर्ल कर लूँगी, क्योंकि ज़्यादा टाइट कर्ल अच्छे नहीं लगते। समटाइम्स अच्छे लगते हैं, लेकिन समटाइम्स नहीं अच्छे लगते। देखिए, अगर आप चाहो तो लूज कर्ल कर सकते हो। चारों तरफ से मेरे बाल हो चुके हैं गाइस। अब हम इसको बंद कर देते हैं। तो गाइस देखिए, मेरे ये कितने अच्छे से, मैंने नीचे का जो है वो सॉफ्ट कर्ल रखा है, और ऊपर का थोड़ा सा हो गया है, बट मैंने कॉम कर लिया है। आप अब इसके बाद जो भी हेयर स्टाइल बनाना चाहते हैं,
आप वो बना सकते हैं साइड पार्टिंग, सेंटर पार्टिंग, जो भी हाफ वन, जो भी बनाना चाहें, बट मुझे ये ऐसे ही ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं तो मैं इनको ऐसे ही छोड़ूंगी, या फिर मैं हाफ, मैं ऐसे क्लेचर लगाना भी सोच रही हूँ, क्लेचर भी लगा सकते हैं, या ऐसे करके आप हेयर पिन भी लगा सकते हो। गाइस देखिए कितना सुंदर लग रहा है बाहर, है ना। मैंने ज़्यादा अगर थोड़ा सा और टाइट करती ना तो बहुत अच्छा लगता, बट फिर वो बहुत लेंथ छोटी दिखने लग जाती है तो अच्छा नहीं लगता। बट मैं ना इनको ओपन ही छोड़ने वाली हूँ सी, और इसके साथ मैं और भी हेयर स्टाइल आपको बना के दिखाऊँ, मतलब हेयर स्टाइल करके दिखाऊंगी, जैसे मैसी मैस बन ये सब करके दिखाऊंगी, बट मुझे फिलहाल तो ये ओपन हेयर ही अच्छे लग रहे हैं गाइस। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और ज़्यादा आपको जानने के लिए मेरी डेली लाइफ के बारे में, तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टा हैंडल है इंदूज लाइफ कॉर्नर। तो मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाती रहूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।